देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिकल स्प्रिंग वेट 50 केजी है और 450 केजी इसका जो है फ्यूल का है। तो देखिए इसका कभी भी जो है कोई भी एरोप्लेन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से चलेगा। तो m1v2 और इक्वल टू m2v2, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा फॉलो होगा, है ना। तो क्वेश्चन में m1 जो है कितना दिया हुआ है आपका 50 केजी, v1 नहीं दिया हुआ है, m2 है 450 केजी और v2 कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उससे हमारा v1 कितना आ जाएगा 50, सॉरी ये उल्टा, ये है आपका 5 केजी और ये है 50 और ये v2 है आपका कितना, ये दिया हुआ है ना स्केप वेलोसिटी दिया हुआ ना कितना है 5 और ये हो गया v2। तो ये हो गया v2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25 है। तो 5 से कटेगा 90 बार में और 5 से कटेगा 18 बार में, ठीक है। तो 1/18 इक्वल टू 0.55 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं आ रहा है, है ना। तो इसका हम लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन इसका हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट भी इक्वल टू क्या दिया हुआ है -K/R^n और आपका जो है n जो है 0 से 2 के बीच में है, k जो है 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो 0 से 2 के बीच में है। अच्छा आप पढ़े होंगे केपलर्स लॉ में टाइम पीरियड और सर्कुलर ऑर्बिट का क्या रिलेशन होता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो पहला r1 जो है हमारा r1 जो है r है और r2 जो है 2r है, r2 जो है 2r है। तो t2/t1 का होल स्क्वायर जो है कितना होगा, अगर हम लोग 2 लेके चल रहे हैं n उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट में ये हो जाएगा 2r/r^3 होगा। तो ये जो है r और r तो साफ हो गया है ना, तो 2×3 हो जाएगा, 2r/r होगा। r2 कितना है 2r एंड एट ऑफ रेडियस, हाँ t2/t1, ठीक है डायरेक्टली होता है कि इन्वर्सली होता है, डायरेक्टली होता है ना। t2/t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2^8 हो गया। तो t2/t1 इक्वल टू कितना हो गया 8 का अंडर रूट हो गया। तो इसको अप्रोक्स हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2×3/2 लिख सकते हैं ना, 2×3 है और उसका 1/2 है पावर, इसी का पावर है ना, इसको हम लोग चलो 2×3 ही छोड़ देते हैं। तो 3 तो इसको 2×3 ही छोड़ देते हैं और ये पावर कितना रहता है रूट करते हैं, तो ये पावर कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो 2×3/2 होगा, तो जनरल 2×2^3/2 होगा। तो जब हम nth टर्म करेंगे तो nth टर्म करने पर हमारा कौन सा पावर आ जाएगा, हाँ 1 × 2 के मल्टीपल में आएगा ना, मतलब जो भी होगा 1/2×3 मतलब इसी के मल्टीपल में रहेगा, है ना। तो ऑप्शन से आपको पकड़ लेना है, पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग 2 पे निकाल लिए तो बाकी पे ऑटोमेटिक जो है n/2 के फॉर्मेट में रहेगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी इन लेबोरेटरी सिस्टम TL एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम TC विथ प्रोजेक्टाइल मास m1 और m2। तो देखिए आप लोग जो है इसको डिलीट 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ½mv2, तो ये m1v1 और ये ½m2v2² है ना। तो आपको सिर्फ मास के रेशियो में पूछ रहा है ना, क्योंकि लेबोरेटरी में जो है वेलोसिटी तो हम लोग लेंगे नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलेशन है, हाँ तो m1:m2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन द फ्लो वेलोसिटी फॉर ए फिक्स डिस्टेंट ऑफ टाइम स्पेस कर्व इज ड्रॉन सो दैट इट इज टेंजेंट एवरीवेयर टू द वेलोसिटी वेक्टर, देन दिस कर्व इज यूजुअली नोन एज। अच्छा जब टेंजेंट जब होगा सब जगह तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या बोल रहा है कि हमारा जो है इंस्टेंट ऑफ टाइम में स्पेस कर्व है, तो देखिए इसमें जो है मोमेंटम कर्व हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 44th का बी ऑप्शन हो जाएगा मोमेंटम कर्व, क्योंकि मोमेंटम हम लेंगे तो हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रीम लाइन लेंगे मतलब स्ट्रेट लेंगे तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्व ड्रॉ करना था क्योंकि वो सब जगह टेंजेंट दे रहा था क्वेश्चन में वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के टेंजेंट, तो उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना जरूरी है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, हमको फॉर्मूला में आप कभी मतलब पहले फॉर्मूला में आप पढ़े होंगे कि फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला कि लैम्डा जो होता है भी जो होता है वो इक्वल टू लैम्डा बाई, बहुत लंबा छोड़ा फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे पहले। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि लैम्डा जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो लैम्डा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू इक्वल टू वी वन बाई वी टू होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। बी ऑप्शन को देखिए पलट के करिए, इसको वी वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा वन बाई वी वन इक्वल टू लैम्डा टू बाई वी टू, यहाँ हम वन टू लिए हैं वहाँ ए भी लिया है, वही है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, कम जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि इमिसी पावर जो है कंटिन्यूसली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये भी पढ़े हैं हम लोग, इमिसी पावर जो होता है लैम्डा का पावर फोर्थ पे मतलब वेरिएशन होता है, मतलब लैम्डा पे वेरिएशन है उसका। एट अ गिवन वेवलेंथ टेम्परेचर इंक्रीजेज इमिसी पावर आल्सो इंक्रीजेज, ये भी सही है। पावर जो होता है वो वेवलेंथ बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो पावर फोर है तो होगा ही। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिफ्ट कहाँ दिया इसमें, कर्व शिफ्ट, अच्छा सॉरी, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन इसका जो होगा गलत है, पहला ऑप्शन जो है इसका गलत है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, कर्व पीक यहाँ पे शिफ्ट नहीं करता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कर्व शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्ट कब होता है, जब अचानक से कुछ ड्रॉप डाउन हो जाए, तो यहाँ पर शिफ्ट वर्ड से पकड़ लेना है कि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व शिफ्ट नहीं करता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा था कि कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए ये हम लोग पढ़े हैं स्लिट्स में कि जब हम ये स्लिट्स से आई अगर भेजेंगे, मान लीजिए आई नोट भेजते हैं, क्वेश्चन में आई भेज रहा है कि आई नोट भेज रहा है, आई भेज रहा है, तो आई अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो इसका 1/2 टाइम्स जो है यहाँ आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ही मतलब बाहर जाएगा यहाँ। उसके बाद उसका सेकेंड स्लिट में, ये स्लिट वन है, ये स्लिट टू है, सेकेंड स्लिट में फिर 1/2 टाइम्स, तो आई बाई 4 हो जाएगा। तो इससे रिलेशन हमारा क्या निकला, आई जो होगा आई मतलब 4 आई नोट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल जो है ये आई नोट हो रहा है, तो ये आई बाई 4 के बराबर है, तो आई नोट आई बाई 4 के बराबर है, इसका मतलब आई क्या होगा, 4 आई नोट के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, ओके। देखिए क्वेश्चन में आपका वेवलेंथ दे दिया है, स्मॉल डी कैपिटल डी दे दिया है और बीटा पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं स्लिट में बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाई डी। अब ये फॉर्मूला में सिर्फ लगाना था आपको और कुछ नहीं करना था। 600 डी है आपका 2000 और आपका जो है स्मॉल डी है 4, ठीक है। ये नैनोमीटर को पहले मीटर में कर दीजिएगा, तो 10^-3 जो है नीचे कर देते हैं, नीचे ले लेते हैं, क्योंकि मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, नैनोमीटर को मिलीमीटर में कीजिएगा तो माइक्रो में 3, और इसको जो है एक बार आउट कर लेते हैं तो मिलीमीटर में भी आ जाएगा, मतलब कि इसको 600×10^-6 मिलीमीटर लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब बताइए कौन कौन कट गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, क्या बच गया, 40 बच गया, ऊपर 12 बच गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 3/10 mm बराबर 0.3 mm। कौन सा ऑप्शन आ रहा आपका, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो प्लेन पोलराइज लाइट का क्वार्टर वेव प्लेट है, तो सर्कुलरली पोलराइज करने के लिए 180 जो क्वार्टर है तो 180/4 हो जाएगा, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका पिछले साल जो है यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये
सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है, और हाफ वे पूछता तो कितना होता, 180 बाई 2 करते 90 डिग्री हो जाता, लेकिन हमसे क्वार्टरली पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वी जी इंटू वी पी बराबर सी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी दिया था, वी पी निकालना था, सी आपको पता है कि 3 इंटू 10 के पावर 8 होता है, 10 के पावर 8 कट जाएगा, और 3 3 9 9 बोले तो 9 भागा 2 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, 4.5 इंटू 10 की पावर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़े होंगे फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना, तो ये साइन इतना पूरा जो है इतना इंटू जो है ये ओमेगा है टी माइनस इतना इंटू एक्स हो जाएगा, ये के एक्स हो जाएगा। तो हमको फ्रिक्वेंसी पूछ रहा था, तो ओमेगा से मतलब था ओमेगा इक्वल टू होता है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी म्यू लिखने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एफ लिख के समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो ओमेगा इक्वल टू हमको पता चल गया कि इतना जो है ये पोर्शन जो है हमारा ओमेगा है, तो उससे हम सिंप्लीफाई कर लिए, फ्रिक्वेंसी जो है बी सट जाया। ठीक है, तो बी सट जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना, तो इसे डायरेक्ट आपको ओमेगा से 2π μ से निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये तो देख के ही बनाने वाला क्वेश्चन है, कभी भी मैक्सवेल इक्वेशन में जो है टाइम वेरिंग फील्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा, टाइम वेरिंग, तो टाइम जो है इसमें है ही नहीं, तो सीधा सीधी ये गलत हो जाएगा, इसमें भी टाइम है इसमें भी टाइम है, तो बाकी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन नॉट होगा क्योंकि नॉट पूछा था, तो टाइम वेरिंग तो बी ऑप्शन में टाइम नहीं था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस स्टैटिक, देखिए यहाँ पे स्टेशनरी कंडक्टर है, जब स्टेशनरी कंडक्टर होगा तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा, सी ऑप्शन सीधा देख के मारे, अगर वेलोसिटी वेक्टर देता टाइम तब आपको टाइम पे डिपेंड करता वो। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें फ्लक्स पूछ रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में फ्लक्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया निकाले तो सॉल्व करने पे 0.866 वेबर आया, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए तो डायरेक्ट बन जाएगा, आपको पढ़े होंगे बायोट सावर्ट लॉ, जो उसमें क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पढ़े हैं अगर एक बार दसवां में भी पढ़ना था ये, तो देखिए इस पर क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है आपका, करेंट पे, लेंथ पे और रेडियस पर। क्या क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सही है। बायोट सावर्ट लॉ डील्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट थ्रू द करेंट, करेक्ट दोनों भी है, लेंथ भी है और करंट भी है, तो आपका कौन सा गलत पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा ट्रू है, तो पहला और अच्छा ऑप्शन दिया है ना, पहला और तीसरा सही निकला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा तो गलत था। ठीक है, देखिए इनकमिंग आई करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट जो है इसमें बराबर करना है बस और कुछ नहीं, तो देखिए कोई भी ज्वाइंट पकड़िए उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग देखिए, ये क्या है, एक जो है बाहर है आउटगोइंग है, तो एक इधर डाल देंगे, इनकमिंग कौन सा हो जाएगा 3, तो 3 इधर डाल देंगे प्लस, अब इस ज्वाइंट पे देखिए इनकमिंग तो इधर, अरे सॉरी ये इस ज्वाइंट के लिए जो है आउटगोइंग 5 है और जो है इनकमिंग कितना है, इनकमिंग 2 है, तो इससे बस इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग कर दिए, देखिए 6 2 8 आ रहा था, 6 2 8 आ रहा है, जा रहा कितना 3 और 5 और 1 तो 9, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 - 8 = 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें से क्वालिटी फैक्टर के बारे में बता रहा है, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कुछ भी हो, क्वालिटी फैक्टर कुछ भी काम करता है, सिर्फ एम्पलीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन पे काम करता है, पावर का, करंट का और वोल्टेज का, तो देखिए एम्पलीफिकेशन किसमें दिया, करंट का और वोल्टेज का, तो उसके बाद जो है पैरेलल रेजोनेंस सेम दैट सीरीज, नहीं क्वालिटी फैक्टर पैरेलल और सीरीज में जो है सेम नहीं होता है, सॉरी वोल्टेज का मैग्नीफिकेशन नहीं करता है, क्वालिटी फैक्टर किसका मैग्नीफिकेशन करता है, करंट का, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा सी, पैरेलल हो चाहे सीरीज हो दोनों में क्वालिटी फैक्टर इतना ही आएगा।
ठीक है, कोई भी सर्किट हो, रेजोनेंट सर्किट अगर होगा तभी ना क्वालिटी फैक्टर आएगा, तो रेजोनेंस में एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट हो जाता है, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर जो है रेजोनेंस सर्किट हो दोनों में यही आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। करेंट और पावर का एम्प्लीफिकेशन करता है तो ये भी सही है, ठीक है। वोल्टेज का मैग्निफिकेशन नहीं करता है, वोल्टेज को कुछ नहीं करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सिंपल था, 5152 दिया हुआ था, V1 और V02 निकालना था, आपको पढ़े हुए हैं E बराबर एच म्यू, फाई नोट होता है वर्क फंक्शन, फाई नोट जो है E V0 के बराबर होता है, तो बस खाली दोनों का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, V निकाल दीजिए, तो V नोट जो है हमारा 0.92 आ जाएगा, तो 0.92 जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो इसको नन ऑफ दीज ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन, फाइन स्ट्रक्चर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसका मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन एटम विथ प्रोटॉन नंबर 84, न्यूक्लियॉन नंबर जो है 216 डिकेज इंटू न्यू एलिमेंट, अल्फा डीके बीटा डीके है ना, तो आप पढ़े होंगे कि मास नंबर में 4 कमा देता है अल्फा पार्टिकल और एटॉमिक नंबर में 2 कमा देता है, 84 में से 2 जाएगा, ये 82 हो जाएगा और ये न्यूक्लियॉन नंबर हो जाएगा 212, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए ही ऑप्शन दे रहा है, तो ए ऑप्शन जो है 60 का ए ऑप्शन सही हो रहा है आपका, प्रोटोन नंबर 82 और विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिएशन इज नॉट अलाउड, देखिए इसमें सिग्मा के बाद जो है ऊपर में 0 लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन जो है इसमें अलाउड नहीं होगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन जो है अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए मतलब कभी भी सिग्मा 0 नहीं आएगा, ठीक है, सिग्मा पर मास नंबर कभी 0 नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन इसका मारेंगे हम लोग, 61 का ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर बोल रहा है कि डोनर टाइप इम्प्यूरिटी जो होगा क्या होगा, डोनर टाइप अभी पढ़े हैं, जो पी टाइप होता है वो पुअर होता है, उसका मतलब कि ग्रुप 3 होता है, ये जो होता है एक्सेप्टर होता है, ठीक है, और जो एन टाइप इम्प्यूरिटी होता है वो ग्रुप 5 का होगा, बोले तो नाइट्रोजन फैमिली का, नाना पापा सब बीमार, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, तो ये होता है डोनर, ठीक है, जब डोपिंग करते हैं ना, डोपिंग मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में सिलिकन और जर्मेनियम को, तो सिलिकन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन के पास 5 रहेगा था ना, वो डोनेट करेगा एक एक्स्ट्रा, तो डोपिंग जो होता है ग्रुप 5 वाले से हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड का जो क्लोज होगा उसको हम लोग लेंगे, तो क्लोज में आपका जो है बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड दे रहा है ना ऑप्शन में, तो ये जो है बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा, तो बिलो दे रहा है तो चलेगा, तो इसका हम लोग बी ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है हाफ वेव का 40.6% होता है, कितना होता है याद रखिएगा, ये यूपी में भी पूछा था, 40.6% होता है, फुल वेव का इसका दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 81.2% फुल वेव का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का, और हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6% होता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है, 64 का बी ऑप्शन सही है। किस टाइप का मॉड्यूलेशन करते हैं, देखिए टीवी हो, फ्रिज हो, अरे टीवी हो, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन है आपका, जितना भी रेडियो है, ये सब में जो है एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड और साथ में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, तो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टीवी, रेडियो और जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो भी है, टेलीकम्युनिकेशन जो भी आएगा, तो कौन कौन आएगा एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी में, कौन ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 2, सी ऑप्शन आएगा 1 और 2। नेक्स्ट, तो ये तो आप ऑलरेडी आप पढ़े भी हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाएंगे तो जो है 2 टाइम्स जो है हर 10 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ते जाता है, और 2 to the power चलते जाएगा, अगर 20 होगा तो 2 to the power 2 हो जाएगा, मतलब इस तरह से चलेगा, है ना, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 2 times, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बैंड गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इतना देर, कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा,
तो देखिए इसमें जो है आप पढ़े होंगे ई बराबर एस सी बाई लेमडा पढ़े होंगे फॉर्मूला, ई बराबर एच म्यू, म्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एस सी बाई ई। तो कोई एक निकाल के चेक कर लेंगे, एक लड़ गया तो दूसरा लड़ेगा ही लड़ेगा, इतना भी दिन खराब नहीं है कि नन ऑफ दिस सारा दे देगा। तो इसको एच का वैल्यू हम लोग डाल दिए 6.66 × 10⁻³४ भी सी डाल दिए, और लेमडा जो है ये ई डाल दिए। तो ई का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग कूलाम में कन्वर्ट करके फिर डाल दिए है ना। और उसके बाद जो है नैनोमीटर में आंसर सारा ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए पहले तो माइक्रोमीटर में करके और फिर उसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो उससे हम लोग सॉल्व करके लाए 1127.27 नैनोमीटर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन, पहला वाला इतना आ रहा है तो दूसरा वाला भी वो आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग मार देंगे ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका जो है Fe Cl 3.6 H2O और ZnCl जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो है दोनों मिल करके पानी के प्रेजेंस में, मतलब वाटर वाटर देंगे तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है ZnFe2O4। इसी को बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन, क्योंकि दोनों प्रेसिपिटेट बनाता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब साथ में प्रेसिपिटेट हुआ तो को प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये भी एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ZnFe2O जो हम लोग क्रिएट हो रहा है ये को प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, को प्रेसिपिटेशन मेथड है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल जो है कंटिन्यू जो है आपका रोटेट मतलब रिपीट होते होते एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। FCC BCC पढ़े होंगे आप लोग, कॉर्नर पे जो होता है वो उसको यूनिट सेल बोलते हैं, सारे कॉर्नर पर। तो जो यूनिट सेल वो पॉलीमर नहीं है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 70 नंबर क्या है, 70 नंबर गायब हो गया, 69, 70 कहाँ गया, 70 देखिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना भी रिएक्शन है केमिकल डिसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज भी होगा और अब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो आपका इंडोथर्मिक भी होगा और एक्जोथर्मिक भी होगा। तो एक्जोथर्मिक में आपका ए ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, और यहाँ इंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर मोर देन एक से ज़्यादा सही है, तो इसमें कौन आंसर लेंगे, डी ऑप्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ, देखिए आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक एनर्जी का रेडियस कितना होता है, एटॉमिक एनर्जी का रेडियस जो होता है वो 10⁻¹⁵ मीटर होता है। तो देखिए मीटर में कोई दिया ही नहीं है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से हम लोग जो है 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻¹³ सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल इज, क्या है क्वेश्चन, एटॉमिक ऑर्बिटल इज सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिप्टिकल पाथ, रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन ऑफ द एबव। एटॉमिक ऑर्बिटल आपका पता है सर्कुलर ऑर्बिट पे ही घूमता है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका 72 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। सर्कुलर पाथ पे ही एटॉमिक ऑर्बिटल घूमता है, लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, कोई भी सीरीज देख लीजिए, हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा। तो सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ए ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट इंटू कंसेंट्रेशन का पावर एन होता है ना, प्रोडक्ट जो भी रहे रिएक्टेंट्स का सारा। तो यहाँ पर के क्या है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो ये जो होगा स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो जब कहे कि ये वन है तो रेट इक्वल टू, अब इसी के बराबर हो जाएगा, ये वाला तो वन है ना, तो आर इक्वल टू के हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का हम लोग इक्वेट लिख देते हैं, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सी और ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, अगर यहाँ नीचे में 2 है तो पावर में चल जाता है, ये आपको पता है। अब ये क्या करा, ए को दुगुना कर दिया है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और बी है b/2 हो जाएगा। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ए का कंसंट्रेशन को a0 ले लिए हैं, इसका b0 ले लिए हैं, तो सी a0² b0 और सी जो है a0² और b0/2, तो 4a0² हो गया, इसको हम लोग कट किए तो 2 हो गया, और बाकी a0² b0 कट गया, तो आपका देखिए क्या आया, यहाँ पे सी जो है 2c हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, दुगल डबल हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का जो है के का जो है कांस्टेंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि के बराबर जो है इतना फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो आपको ए माइनस एक्स बोलो तो टी टाइम में वो एक्स डिक्रीज किया वो है, तो सीधा सीधी ए माइनस एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.15 मोल। तो ये हम लोग जो है टाइम दिया हुआ था 200 मिनट लॉग 2 बाई 0.15, खाली लॉग का खेल था इसमें। तो लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि लॉग 0.15 का वैल्यू -0.824 आएगा। तो उसको हम लोग 2 सॉल्व किए, 1.29 10 के पावर -2 आ गया। उसके बाद हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के वैल्यू डाले तो एग्जैक्ट 53.72 मिनट आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो बस खाली कैलकुलेटिव था और मतलब टाइम टेकिंग था, आपको देख सोच समझ के बनाना पड़ेगा। आपके पास समय होगा तभी बनाया कीजिए ऐसा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस अबाउट द मेन सेल इज करेक्ट, मेन सेल के बारे में कौन सा असर्शन इसमें से करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इसमें से जो है मेन सेल के बारे में क्या सही है। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए मर्करी सेल, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, सही है ये वाला। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कैन बी रिवर्स, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, सही है। तो इसमें बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ए कैटलिस्ट चेंजेस द फॉलोइंग इन ए केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट जो है क्या क्या चेंज करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है क्योंकि उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, फोटोन्स का भी होगा और क्या होगा, और आपका बस खाली फोटोन्स ही होगा क्योंकि सब ऑब्जॉर्प्शन और विजिबल सब ये सब नहीं, फोटोन्स होता है और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटोन्स ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम में जो फोटोन्स निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, इंटेंसिटी बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो बाई मिस्टेक हो गया, थोड़ा सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पर जितना फोटोन्स पास होता है उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द ट्रांजिशन विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए स्टेबल एक्साइटेड स्टेट टू एन अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट दैट लीड्स टू डिसोसिएशन ऑफ, बिना जो है रेडिएशन निकले जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिना रेडिएशन जो ट्रांजिशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृथक्करण बोले तो क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, हाँ डिसोसिएशन बोलेंगे, खाली टूट रहा है ना, तो डिसोसिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन Na2CO3 इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में अगर Na2CO3 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ इसमें पानी भी रहता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा इसमें रिएक्शन में चेंजेज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन में चेंजेज आएगा, सोडियम का तो सल्फेट बनेगा, तो इसमें जो है पानी भी रहेगा तो रिएक्शन जो है ये बनेगा आपका, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, तो कॉपर का कार्बोनेट भी है, हाइड्रोक्साइड भी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोडियम सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट और CO2, कॉपर कार्बोनेट सोडियम सल्फेट एंड CO2, इसमें तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, हाँ बेसिक वाला लेंगे, अच्छा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ए ऑप्शन लेंगे इसमें, क्यों ए ऑप्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर CO3 के आगे ये लग गया तो इसको हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा और CO2 बनेगा, है ना, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट,
तो देखिए निकेल और स्कैंडियम जो होगा, निकेल और स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस सेम होगा, क्योंकि निकेल, स्कैंडियम, कॉपर और आयरन चारों का एटॉमिक रेडियस जो है सेम होता है। तो निकेल और स्कैंडियम ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। IUPAC नेम नोमेनक्लेचर के अनुसार सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाइहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए इसका जो है, देखिए यहाँ पर पकड़ना था आपको कैसे, यहाँ पे डाइहाइड्रेट है, ठीक है, तो डाइहाइड्रेट है तो यहाँ पे सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसाइल फेरेट 2 हो जाएगा, 2 वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेरेट 2 जिसमें 2 रहेगा वो वाला आयरन लेंगे, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबस्टांस एक्स इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेंड बाई हीटिंग लाइम स्टोन इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई द एक्स। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो CaO+CO2 बनता है, ठीक है, तो इसको हीट करते हैं तो ये CaO तुम्हारा क्या है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है आपका, ठीक है, तो ये CaO ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायलूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग केवल, अच्छा इसमें जो है, तो देखिए यहाँ पर आयरन सल्फेट जो है Fe2SO4 जो है, Fe SO4 दोनों का वैलेंसी दो ही है, तो Fe SO4 जो होगा, Fe SO4 जो है उसको एसिड के मनो 4 दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि, इसलिए पर्पल से फेड होगा, फेड से कलरलेस होगा, तो ये केमनो 4 की वजह से हो रहा है, तो ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए हो रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही दे रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आयरन सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा आयरन ऑक्साइड में जो कि कलरलेस होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्लोरीन को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो एक बार CH के साथ अटैच कर दीजिए और एक बार बेंजीन रिंग में घुमाइए, तो या तो ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन पे जो है, ये देखिए ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है, ये पारा पोजीशन पे, यही 3 लोकेशन बनेगा और एक CH के साथ जाएगा, तो 4 आइसोमर बनेगा इसका, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ रहे। नेक्स्ट, तो सब्लिमेशन होने की वजह से AgCl जो है गैस बन जाता है, इसीलिए उसका कलर उड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये कलर जो है ग्रे कलर का हो जाता है, तो इसको सब्लिमेशन ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, कोड है और भी सही होगा, क्लोरीन गैस निकल, देखिए नेक्स्ट उसमें जो है आपका डिकम्पोजिशन भी होगा, है ना, सिल्वर क्लोराइड से जो है सब्लिमेशन होगा, तो Ag+ और Cl- अलग हो जाएगा, हाँ क्लोरीन वेपर बन के निकल जाएगा, तो क्लोरीन वेपर बन के निकल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन भी सही होगा, तो 1 और 3 सब्लिमेशन नहीं होगा, बाई मिस्टेक बोल दिए थे, सब्लिमेशन नहीं होगा बोल रहे हैं, तो सिल्वर जो है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ सनलाइट से जब हम करते हैं तो Ag+ और Cl- में अलग हो जाएगा, तो टूट जाएगा ये, तो डिकम्पोज होगा तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन चलेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सही है बाई डिकम्पोजिशन, ये भी सही है, और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, दोनों से मतलब दोनों अलग अलग हो गया, है ना, तो पहला और तीसरा सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। सब्लिमेशन नहीं होता है, सब्लिमेशन तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है उसको बोलते हैं, है ना, वो भी हीट होगा तब, यहाँ तो सनलाइट का बात कर रहा था, तो 1 और 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर जो है इसमें से किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, लो डेंसिटी पॉलीमर जो होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है, उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल होता है, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा लो डेंसिटी पॉलीमर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड जो है क्या बनाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाता है, तो ये आप याद रखिएगा ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, आप इसका तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है क्योंकि ये कंडेंसेशन ग्लाइसिन प्लस एमिनो पे पोटेइक एसिड जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला है CH2CH2CWH NH2CH2O5CWH, ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 90 में देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाइएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा,
क्योंकि उसका न्यूक्लियस का साइज जो होता है बढ़ जाएगा, तो जब साइज बढ़ेगा तो ग्रुप में मतलब आप डाउनवर्ड जाइएगा, डाउनवर्ड अगर मतलब नीचे की ओर जाइएगा ग्रुप में तो बढ़ेगा, तो सबसे कम कौन होगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो बोले तो ए ऑप्शन सही होगा इसका, है ना, क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड रिक्वायर्स लेस टाइम एंड मोर अमाउंट ऑफ सैंपल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो होगा उसमें टाइम कम लगेगा लेकिन उसको जो है अमाउंट सैंपल का ज़्यादा चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको जो है टाइम कम लगता है लेकिन मात्रा जो होगा सैंपल जो होगा अमाउंट का वो क्लासिकल मेथड से ज़्यादा लगता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 91 नंबर में आपका जो है ए हो जाएगा, टाइम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक में कम लगेगा लेकिन अमाउंट जो होता है ज़्यादा लगता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो जो है शार्प डिप कितने डिग्री पे, कितने पे देता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है 1700 पे शार्प डिप देता है। यही अगर क्वेश्चन जो है आपको फेनोल ग्रुप देता, मतलब हाइड्रोक्सीड, मतलब बोले तो अल्कोहल ग्रुप अगर देता तो 3400 होता, तो अल्कोहल ग्रुप देता तो 3400 होता, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप का कितना होता है 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आपका शार्प डिप होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 92 का ए। विच इज द बेस्ट सुटेड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ पारा एंड ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल फ्रॉम द मिक्सचर, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन करिएगा तभी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल अलग होगा, तो स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे यहाँ पर, 93 का जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड विच अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के लिए, बेंजाइल क्लोराइड जो है आपका SN1 मैकेनिज्म ओनली करता है बेंजाइल क्लोराइड, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, 94 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, जो मेजोरिटी ऑफ द फाइटोफेगस जो होता है, जो खुद खाता है नेमाटोड्स को, वो टीशू पैरासाइट होता है, टीशू को खाता है, तो टीशू पैरासाइट होगा, ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, टीशू पैरासाइट होगा, 95 का सी ऑप्शन होगा। दो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं उसका काम क्या होता है, वो BOD को कम करना होता है, तो रिड्यूस द BOD, बी ऑप्शन BOD को कम करता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। मोस्ट बैक्टीरिया डेट काउज प्लांट डिजीजेज आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ, जितना भी प्लांट डिजीजेज जो करता है वो किस तरह के ग्रुप का मेंबर्स होता है, तो इसमें जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों होता है, दोनों जो है प्लांट डिजीज करता है, तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन मारेंगे, मोर देन वन एबव दो मारेंगे, 97 का हम लोग डी बनाएंगे, डी मोर देन वन ऑफ द एबव। न्यूट्रिशनली जो है अल्बुगो क्या है, अल्बुगो जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्या है ऑब्लिगो, ऑब्लिगेट पैरासाइट है अल्बुगो, अल्बुगो जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, 98 का सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इन लिलियासिया मौसम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड पार्ट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आर फाउंड इन मलवेकिया, ट्रीज विथ लार्ज फ्लावर्स एंड सीड्स आर फाउंड इन कंपोजिटिया, ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्वेश्चन है, इसमें गलत पकड़ना है आपको, तो फाइबर यील्डिंग प्लांट जो है मलवेशिया में पाया जाता है, जो लार्ज फ्लावर्स होता है सीड्स होता है वो कंपोजिटिया में पाया जाता है, ये दोनों सही है आपका। लिलियासिया में जो है सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड पार्ट्स, नहीं अंडरग्राउंड पार्ट्स नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है ना। वन ऑफ द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री, बासमती राइस जो है मेजर कहाँ प्रोड्यूस होता है बताइए, बासमती राइस मेजर कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बासमती राइस जो होता है सबसे ज़्यादा जो है आपका हरियाणा में पाया जाता है, उसके बाद UP में, उसके बाद पंजाब में, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा, UP, ऑप्शन में जो है सबसे ज़्यादा UP होगा, क्योंकि हरियाणा नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है, तो हरियाणा नहीं दिया हुआ है तो यूपी मारेंगे हम लोग, परसेंटेज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए सोमैक्लोन क्या होता है, सोमैक्लोन, ठीक है, तो 101 का क्वेश्चन हो रहा है कि सोमैक्लोन क्या होता है, सोमैक्लोन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है टिशू कल्चर से, ठीक है, तो ये सोमैक्लोन जो होता है टिशू कल्चर से प्रोड्यूस होता है और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, तो टिशू कल्चर से आपका प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और ये कैसा आइडेंटिकल होता है, जेनेटिकली, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा तो इसका मतलब कि उसको हम केमिकली आइडेंटिकल दे सकते हैं,
इसका मतलब जेनेटिकल को हम लोग केमिकली आइडेंटिकल दे सकते हैं। तो केमिकली आइडेंटिकल कौन सा ऑप्शन आपका बोल रहा है बताइए, ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल, केमिकली आइडेंटिकल, ए पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीजोम। राइबोजोम जो है, राइबोजोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और राइबोजोम जो है पॉलीजोम करता है ना, राइबोजोम पॉलीजोम हम लोग ले सकते हैं। तो पॉलीजोम ऑप्शन हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट जो है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है पॉलीजोम। तो 102 नंबर का ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 103 नंबर, 103 नंबर बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी जरूरत है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा विद कंसंट्रेशन डज नॉट रिक्वायर, नहीं एटीपी होगा एंड रिक्वायर्स एटीपी, ए ऑप्शन। एटीपी बोले तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अगर उसको मिलेगा तभी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी करेंसी है ना, तो एनर्जी होगा तभी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 104 नंबर बताइए, 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए, इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल है, तमिलनाडु कर्नाटका केरला, है ना, तमिलनाडु कर्नाटका केरला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन दिया है इसमें, तमिलनाडु दिया है, तो ए ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओजोन होल, ओजोन होल का मतलब क्या होता है, उसका थिकनेस कम हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, तो थिकनेस कम हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन देगा। तो 105 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, थिकनेस कम हो रहा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ग्राउंड नॉट ऑयल, ब्रासिका जूनिका जूनसिया, ब्रासिका जूनिसिया, ये जो है ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम है। अगर आप ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम जानते तो ऑप्शन डायरेक्ट ही बना सकते थे। तो ब्रासिका जूनसिया जो है ग्राउंड नट का क्या है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो साइंटिफिक नेम है इसलिए उसी से ऑब्टेन होगा, तो साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंड नट। उसके बाद क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एंड येट इसेंशियल टू आवर फूड, हमारे रफेज, हाँ रगेज जो भी बोलिए, सी रफेज जो है उसको जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है लेकिन इसेंशियल होता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट 108 नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट सबका बना होता है, तो मोर देन ए होगा, ए बी सी तीनों होगा इसमें। ठीक है ना, सबका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेंडल्स का इस प्रिंसिपल ऑफ एरिटेंस जो है किस चीज़ पे होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर है, है ना, मटर के प्लांट्स पर किए थे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर किए थे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल्स का जो प्रिंसिपल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम घटा देंगे ब्लड में तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा। देखिए, जब ऑक्सीजन आपका कम जाता है तो आपके बोन से कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा वो, है ना, तो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ब्लड जो है उसको फास्ट रिएक्शन कर, फास्ट लेके जाएगा, आपके बोन से खींचेगा न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद जहाँ जहाँ डिफिशेंसी है वहाँ वो जाएगा, तो फास्ट हो जाएगा। तो 110 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यही है, कौन सा हार्मोन होगा, पाराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो पाराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वही करता है, वो जो है ब्लड को पहले बोन से जहाँ जहाँ कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा है वहाँ से वो ले करके और ब्लड को देगा, और ब्लड जो है जहाँ जहाँ डिफिशियंसी है उसको वहाँ पहुँचा देगा, है ना, तो आपका पाराथायरॉयड हार्मोन होगा। क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं इसको जब क्विक रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस की तरफ। तो सीमेक्स हेमिप्टेरस पारासिटिज्म ये किसका होता है, सीमेक्स हेमी, 113 नंबर जो है सीमेक्स हेमिटेरस जो है एक्चुअली आपको खटमल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, खटमल को, तो खटमल जो है जानवर में आदमी और भेड़ को भी होता है, तो ए और बी दोनों सही होगा, तो डी ऑप्शन मारेंगे इसमें, क्योंकि ये ए और बी जो है दोनों में सही होगा, खटमल जो है आदमी को भी डिस्टर्ब करता है, कभी कभी देखते हैं ना खटमल काटने लगता है, मच्छरदानी लगाना पड़ता है, नीचे से काटने लगता है। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन ब्लड फ्लूक जो है कौन सा होता है, किसको बोलते हैं ह्यूमन ब्लड फ्लूक, तो इसमें जो है ह्यूमन ब्लड फ्लूक जो है किसमें होता है, ह्यूमन ब्लड फ्लूक देखिए सिस्टोमेसियासिस सीजोसोमा में होता है, मैनसोनी में होता है,
और हेमाटोसोबियम में होता है और जैपोनिकम में होता है। जैपोनिकम में कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, मैनसोनी खाली दिया हुआ है, तो मैनसोनी बोले तो बी ऑप्शन, सिस्टोमियासिस, ठीक है, सिस्टोमियासिस या सिस्टोसोमा मैनसोनी, ठीक है। अब आ जाइए 115 नंबर क्वेश्चन में, इधर का मिटा देते हैं। तो चीक में पूछ रहा है, चीक बोले तो क्या होता है, बच्चा, मतलब बर्ड्स का बच्चा है ना, चूजा है ना, तो चूजा में कौन सा होगा, कोरियोन होगा और एलेंटोइक्स भी होगा, नहीं एलेंटोइक, देखिए कोरियोन एलेंटोइक मेम्ब्रेन और लंग्स में पाया जाता है, तो मेम्ब्रेन है तो एलेंटोइक्स को नहीं लेंगे, तो एम्ब्रायनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होगा कोरियोन को ही लेंगे, है ना। तो 115 का बी मारेंगे, एक बार देखिएगा, हो सकता है इसको डी भी ले सके, एलेंटोइक्स लेगा कि नहीं लेगा कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो कोरियोन जाना चाहिए, एक्चुअली कोरियोन एलेंटोइक मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइजिंग एजिंग, ओल्ड एज जब होगा तो आपका जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है, मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो रेट जो है बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन रेट तो आपका बढ़ जाएगा, बट जो एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो आपका नॉर्मल में भी बढ़ता है, मतलब जब जवान लोग भी अगर बहुत ज़्यादा चलेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो नॉर्मल बुढ़ापा में भी बढ़ता है, कोई उसमें एजिंग का नहीं खोज कर सकते हैं। हाँ, एनाबॉलिज्म जो है आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें जो है बी ऑप्शन हम ज़्यादा सुटेबल है, ऐसे डी भी उसको ले सकता है लेकिन बी ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूगेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, उसको कौन सा स्टडी बोलते हैं यूगेनिक्स को, यूगेनिक्स जो है डिफरेंट रेसेस के स्टडी को बोलते हैं, डिफरेंट रेसेस के जो स्टडी करते हैं हम लोग, है ना, तो डिफरेंट रेसेस के स्टडी को हम लोग यूगेनिक्स बोलते हैं। इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू कंपार्टमेंट्स विथ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स सीरियली रिपीटेड, ये फीचर्स को क्या बोलते हैं, सिगमेंटेशन, ठीक है। ये सिगमेंटेशन का फॉर्म डिफिनेशन ही दे दिया है और आपसे पूछ रहा है, तो सिगमेंटेशन में जो है जो आपका बॉडी है वो ग्रुप्स में बटेगा, कंपार्टमेंट्स में बटेगा और कुछ कुछ ऑर्गन्स जो है रिपीट होते रहेगा उसमें, ठीक है, तो ये सिगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया में किस टाइप ऑफ लार्वा जो है फॉर्म होता है, तो क्रस्टेशिया में जो है आपका नोप्लिया बोलते हैं, एक्चुअली वो सिंगुलर पर्सन दिया है, तो अस को हटा के ए हटता है, जैसे रेडियस का रेडियाई होता है ना, तो नोप्लिया ही होता है, तो नोप्लियस लार्वा का जो नाम है वो टाइप का नोप्लियस होता है, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओपारिन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर, प्रिमिटिव एटमोसफेयर में ओपारिन के अनुसार क्या नहीं प्रेजेंट था, क्या नहीं प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था ओपारिन के अनुसार, प्रिमिटिव एटमोसफेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अपना आंसर की समझ भी आया होगा और लगा अपना मार्क्स भी जोड़ लिए होंगे। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।